लुधियाना पुलिस की डीएसपी प्रवेशनर और फिलहाल थाना बस्ती जोधेवाल की इंचार्ज मानवी शर्मा ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया जो पत्रकारी के नाम पर रोजाना थाने में आने जाने की कोशिश करता था, और पुलिस ने यह भी बताया कि ये व्यक्ति किसी ऑनलाइन चैनल में कभी काम करता था, और अब उससे 11 ग्राम हेरोइन और 1350 गोलियां नशे की बरामद हुई है। साथ ही साथ 28,600 रुपये ड्रग मनी भी मिली है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਲ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸੱਚਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਉਤਰੀ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ पुलिस की इस खास उपलब्धि का खुलासा किया लुधियाना के एसीपी नॉर्थ लखबीर सिंह टिवाना और साथ में लुधियाना के एडीसीपी जोन वन गुरप्रीत सिंह सिकंद ने। विकास पामरी के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना। एसीपी नॉर्थ सरदार लखबीर सिंह टवाणा ते डीएसपी प्रोबेशनर ने माधवी शर्मा एसएचओ जोधेवाल का चार्ज लै रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एरिए का समगलर ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ 1350 ਜਿਹੜੀ ਟੈਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਲੋਂ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 28,600 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਆ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ ਐਸਐਚਓ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 8 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 4 ਸਨੈਚਰ ਜੋ ਅਡਿਕਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ 2 ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ धरती का कर्ज उतारना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पर्यावरण को हरा भरा बनाने की कोशिश में एशियन क्लब इंटरनेशनल के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर तथा ज्योतिष सम्राट सुखमिंदर सिंह के द्वारा निरंतर पौधे बांटे जा रहे हैं और लोगों से वायदा लिया जा रहा है कि वे एक साल में 4 फलदार पौधे ज़रूर लगाएंगे किसी भी पब्लिक प्लेस पर। तो आप भी जुड़िए इस मुहिम से और आइए मिलकर धरती को हरा भरा बना दें। क्रिएटिव फेरीज ने नवकिरण स्कूल के साथ मिलकर बहुत ही बेहतर ढंग से चिल्ड्रन डे का एक समारोह आयोजित किया। इस मौके पर स्कूल की प्रमुख पूनम शर्मा और क्रिएटिव फेरीज की प्रमुख अमिता पुन्यानी ने आई हुई मुख्य मेहमान नगर निगम की काउंसलर ममता आशु का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विशेष तौर पर
रितु चांदना, ज्योति गुप्ता और कशिश अंजू भी उपस्थित थे। बच्चों को इस मौके पर खाने की सामग्री वितरित की गई और साथ ही साथ पढ़ाई में आगे रहने के लिए उनको उत्साहित किया गया। समारोह में ऋषि का पुन्यानी भी उपस्थित थी। लुधियाना में अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। लुधियाना पुलिस की डिवीज़न नंबर 2 ने इस बारे में ASI गुरजीत सिंह चौकी इंचार्ज जनकपुरी की टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग जगह से इन वाहनों को उठाते थे और इन्होंने 6 से ज़्यादा चोरियाँ कबूल की हैं। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे मामले का खुलासा डिवीज़न नंबर 2 थाना के SHO इंस्पेक्टर सतवंत सिंह के साथ लुधियाना के बेहद तेज तरार ACP सेंट्रल वर्याम सिंह ने किया। वर्याम सिंह ने साफ शब्दों में बताया कि उनके इलाके में अगर कोई भी आपराधिक घटना करने की कोशिश करता है तो किसी भी हालत में वह नहीं बच पाएगा और पुलिस के हाथ उस तक पहुंच ही जाएंगे। वॉइस ऑफ एशियंस सुखमंदर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल मीडिया के थ्रू ये एक अनोखी खबर हमारे पास पहुंची है जहां एक स्कूल के अध्यापकों ने इन बच्चों के हाथ बांध रखे हैं और पैरों के साथ एक धागा बांधकर उसके दूसरे सिरे से जलेबी को लटकाया है और उन्हें पैर को ऊपर उठाकर जलेबी तक पहुंचना है। हालांकि बच्चे इस खेल को देखकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, पर क्या इस किस्म की खेलें करवाई जानी चाहिए स्कूलों में? इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अपने व्यूज़ इस वीडियो के बाद ज़रूर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। लुधियाना की क्राइम ब्रांच 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी से 150 पेटियां अवैध शराब बरामद की हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। लुधियाना के PO विंग के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह की अगुवाई में एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसको फिलहाल अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। लुधियाना के हमड़ा रोड पर स्थित स्कूल फॉर द डेफ चिल्ड्रन मैनेज्ड बाय लुधियाना एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड के द्वारा फाउंडर्स डे और एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार 24 नवंबर 2018 को शाम के 5 बजे स्कूल के प्रेमिसेस में हमड़ा रोड में किचलू नगर के सामने। इस मौके पर मुख्य मेहमान होंगे मिसेस और मिस्टर सुभाष लाकरा, मैनेजिंग डायरेक्टर SK बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस बारे में जानकारी दी स्कूल के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी प्रमोद दादा और प्रेसिडेंट सुखपत राय वढ़ेरा, एडवोकेट और वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत चोपड़ा ने।
सभी दर्शकों से यही विनती है कि आप इस किस्म के समारोह में ज़रूर शामिल होइए और डेफ बच्चों के इस स्कूल की और डेफ बच्चों की मदद भविष्य में ज़रूर करते रहिए। वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना।